सावन के महीने में पत्थरबाजों ने यूपी में की पत्थरबाजी। सीएम योगी ने पत्थरबाजों का कर दिया ऐसा हाल। देश के लिए योगी का फैसला बन गया मिसाल। योगी के इलाज से बिलबिलाने लगे पत्थरबाज। जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में दंगा हो या पत्थरबाजी, इसका रिजल्ट महज कुछ ही घंटों में आ जाता है। क्योंकि यहाँ योगी राज चलता है, यहाँ की पुलिस अब अपराधियों से बोली से नहीं सीधे गोली से बात करती है। अपराधी चाहे जो भी हो, उसके लिए तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद योगी पुलिस के हवाले कर दे या योगी पुलिस के एक्शन का सामना करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी से माहौल बिगाड़ने वाले, दंगा करने वाले योगी की पुलिस ऐसा स्वागत करती है कि वो एक नजीर बन जाता है। बताएंगे पूरी घटना के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों को पत्थरबाजी करना भारी पड़ गया, क्योंकि योगी की पुलिस ने जो किया वो अन्य राज्यों की पुलिस के लिए नजीर बन गया। अब आपको बताते हैं दरअसल कैसे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मोहल्ले में रहने वाले दो समुदाय के लोगों में मामूली कहा सुनी हो गई। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने वो गलती कर दी जिसके लिए उन्हें योगी की पुलिस के एक्शन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद योगी पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए उपद्रव करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 अन्य पत्थरबाज जो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, उन लोगों के पोस्टर जारी कर पुलिस ने उन पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही पोस्टर में दिए गए नंबर पर जो कॉल करके जानकारी देगा, उस व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। ये पूरा मामला शनिवार का है। 1 जुलाई को ब्रह्मानंद मोहल्ले में भैंसा बुग्गी को खड़े करने को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया था और दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया था। बताया गया कि रविवार की शाम नमाज के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने अचानक दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। ये पत्थरबाजी जिस तरीके से की गई, उससे लगता है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले इसकी योजना बनाई गई थी। बताते हैं आपको आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से घरों की छतों से पत्थरबाजी की गई, उससे लगता है कि घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पत्थरबाजों ने सारे इंतजाम पहले से किए हुए थे। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस एक एक आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि 4 अन्य आरोपी सरफराज, रिजवान और सुआलिन की तलाश जारी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, फोटो समेत इनाम भी घोषित किया गया है। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने की बात कही गई है। अब आप योगी सरकार के एक्शन और योगी सरकार के द्वारा अपराधियों की तोड़ी जा रही कमर के बारे में क्या सोचते हैं, और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के द्वारा क्या उत्तर प्रदेश में वाकई अपराध में कमी आई है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।